राजनांदगांव में 3 से 6 अक्टूबर तक शालेय खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे मौजूद रहे। प्रतियोगिता में 5 संभागों की टीमों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 945 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, साथ ही 100 शिक्षकों ने राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता के आयोजन की कमान संभाली। आपको बता दें कि राजनांदगांव की साई हॉस्पिटल बास्केटबॉल और वॉलीबॉल टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। सांसद ने कहा कि यह गर्व की बात है कि राजनांदगांव में राज्य स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता हुई, सभी खिलाड़ियों ने अच्छा खेला। प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों के लिए कोच मुहैया करा रहे हैं, साथ ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के काम की तारीफ की। जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास बघेल ने कहा कि विजेता खिलाड़ी और विजेता टीम राज्य का प्रतिनिधित्व करेगी। प्रतियोगिता में जो विजेता खिलाड़ी हैं और विजेता टीम है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे नेशनल गेम के लिए, और इन्हीं में से बच्चे खेलो इंडिया में भी आगे भविष्य में भाग लेंगे। ये उम्मीद है कि खेलों का आयोजन बहुत अच्छा हुआ है। और स्विमिंग, जैसे आपको बताया, मुझे पहली बार मालूम हुआ कि स्विमिंग की प्रतियोगिता राजनांदगांव में पहली बार आयोजित हुई है, इससे पहले स्विमिंग की प्रतियोगिता कभी आयोजित नहीं हुई थी। प्रदेश स्तरीय 3 से 6 अक्टूबर तक शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का मेजबानी राजनांदगांव ने किया है, और इसमें सरगुजा से लेकर के पूरे दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर, बस्तर संभाग सभी ने भाग लिया। बहुत ही उत्साह के साथ आज समापन हुआ, और उसमें जो प्रतिभागी विजयी हुए और लगभग सभी संभाग ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, और आज पुरस्कार वितरण भी हुआ। हम लोग सभी उसी में शरीक हुए थे। हमारे सभी प्रतिनिधिगण भी हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष भी हैं, हमारे सभी राजनांदगांव जिले के। मैं सभी प्रतिभागियों को और जो खिलाड़ी विजयी हुए उनको मैं शुभेच्छा शुभकामना देता हूँ कि प्रदेश से वो देश में और राष्ट्रीय स्तर में नाम हो।